देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है मुंबई महाराष्ट्र का तवा पुलाव। कितना बढ़िया बनाया है। अब इसको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, तो चलिए देखते हैं हमने ये तवा पुलाव कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तवा पुलाव। उसके लिए पहले तैयारी कर लेते हैं। कोई भी आप पुलाव बनाए, फ्राइड राइस बनाए, तो उसके लिए आप चावल को पहले से उबाल के रख लें। मतलब आपको दोपहर को बनाना है तो शाम सुबह उबाल के चावल को रख लें। उससे क्या होता है, चावल थोड़े खड़े खड़े और उनका मॉइस्चर कम हो जाता है, वो सूखे सूखे हो जाते हैं, तो फ्राई करके बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं ये अब मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से लिए हैं। एक गिलास चावल भिगोए हैं, आप अपने अंदाजे से चावल भिगोइए। ये आधा घंटा भिगो के मैं इनको उबाल लूँगी। और ये मैंने मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च हैं, ये तवा पुलाव में सबसे ज़रूरी है। इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है और इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, शेजवान सॉस है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ये चावल उबाल लेती हूँ और इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना तवा पुलाव बनाते हैं। तवा पुलाव तवे पे बनाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि तवे पे ही बनाया जाए। आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तवे पे ही बनाया जाए। बाकी तैयारी हमने सुबह पहले कर ही ली थी। अब ये बटर में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और बटर जले ना इसलिए थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ, मैंने सिम पे रखा हुआ था। जैसे ही हमारा बटर गरम हुआ, हम इसमें डाल देंगे जीरा, हींग। आप बनाने का इन्हें तेल में भी बना सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी ये अदरक जूलियंस, ये कुछ हरी मिर्च काट के रखी हैं, इनको हल्का सा सौते करेंगे। अदरक को ज़्यादा भूना नहीं जाता, उसमें कड़वापन आ जाता है। ये मैंने स्लाइस ऑनियन रखे हैं, इनको भी भून लेंगे। भूनना हमें किसी भी सब्जी को ज़्यादा नहीं है, क्रंच बना रहे इतना ही भूनना है। बाजार में जब हम देखते हैं तो कितना लगता है कि बस खा लें इसको, कितने टेस्टी, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। तो आज हम वही तवा पुलाव अपने घर पे बना रहे हैं। कोई भी चीज़ बनानी बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ता है। ये आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोहे का ही तवा है और मैं उसको स्टील के ही उससे चला रही हूँ। ये थोड़ा सा बटर इसमें पेपर में था, ये भी डाल दूंगी। बटर का इसमें अपना अलग ही टेस्ट होता है। और ये है थोड़ी बंद गोभी, शिमला मिर्च, इसको भी हम अच्छे से भून। मैंने पहले बताया कि हमें सब्जियों को बिल्कुल गलाना नहीं है, इतना भूनना है कि सब्जियों का क्रंच बना रहे, अच्छे से बटर में सौते हो जाएं और इनका क्रंच बना रहे। मैंने एक टमाटर काटा है बारीक बारीक, उसको भी डाल देंगे। साथ ही आलू पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। वैसे तवा पुलाव में आलू डलते नहीं हैं। चावल में हमने नमक डाल के उबाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्जियों में नमक में डाल रही हूँ। और आप भी थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हमने चावल उबाले हैं उसमें भी नमक डाला है। और साथ ही ये जो हमने रेड चिल्ली का पेस्ट बना के रखा था, कश्मीरी लाल मिर्च हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी मिर्च डालेगी, मैंने आपको भिगोते समय भी दिखाई थी कि मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च भिगोई है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप देगी मिर्च का इस्तेमाल करें और वैसे मिर्च नहीं डालें। कश्मीरी मिर्च में तीखापन बिल्कुल नहीं होता और
पेस्ट भी आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला, अगर आप लहसुन खाते हैं तो मिर्च के साथ लहसुन को भी पीस लीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और ये सब चीज़ें नहीं है आपके पास, शेजवान सॉस है तो आप उसको डाल लीजिए, मैं ये रेड चिली पेस्ट भी डाल दूँगी, भून जाएगा अच्छे से सब्जियों में, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने ये सब्जियों के साथ डाला है, आप चाहें तो इसको, जब हमने हींग जीरा डाला था उस समय भी डाल के आप इसको भून सकते हैं। ये कितना सुंदर सा कलर आ रहा है वेजिटेबल्स हमारी। और इसमें मैं डालूंगी पाव भाजी मसाला, ये तवा पुलाव की जान है। थोड़ा मैं अभी सब्जी में डाल रही हूँ और बाकी हम चावल जब मिलाएंगे तब डालेंगे। चावल मैंने पहले से ही उबाल के रख लिए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि चावल को पहले से उबाल के रख लें। अब हम सब्जी हमारी सौते हो चुकी हैं, अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, गरम मसाला और नमक, क्योंकि हमने नमक थोड़ा थोड़ा डाला, थोड़ा सा सब्जियों में डाला और थोड़ा सा ही मैंने चावल में डाला था, तो नमक डालेंगे, बटर, और इनको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। क्या बढ़िया हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, बटर का टेस्ट तो इसमें लाजवाब आता है। आप इन्हें बटर में ही, और अब इसमें जाएगा भरपूर हरा धनिया, ये मैंने हरे धनिया को काट लिया, धो लिया। हमारा तवा पुलाव खाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। और ये मैंने कुछ टमाटर के जूलियंस काट लिए थे, बीज निकाल दिए, इनको हमें गलाना नहीं है, बस ऐसे ही मिला देंगे। खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती कितनी जबरदस्त आ रही है, और टेस्ट लाजवाब, देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो जरूर बनाइए इनको और मुझे भी बताइए आपने ट्राई किए तो आपके कैसे बने। देखिए कितने सुंदर कलरफुल टेस्टी हमारे चावल तैयार हुए हैं। होप आपको मेरी ये सिंपल सी तवा पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप बनाते हैं इस तरह से घर में तवा पुलाव, अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ज़रूर शेयर करें मुझसे। और अगर आपने मेरे तरीके से बनाने की कोशिश करी, ट्राई किया मेरी बताई रेसिपी को, तो आपके कैसे बने ज़रूर बताएं। थैंक यू।